अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन दुबई का सबको सलाम। आइए, मैं हाजिर हो गई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ जो कि है चिकन बंस। और उसको बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, और फिर हमने ऑयल ले लेना है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, उसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे हम। उसके बाद उसमें शामिल कर देंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज, इतना भी बारीक नहीं जैसे आप अंडे के लिए काटते हैं ना, वैसे ही बस बारीक प्याज काट के हमने इसमें शामिल कर देना है और उसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है ताकि वो जो एक उसकी खुशबू होती है, जो कच्चापन होता है, वो बस ख़त्म करें। ब्राउन नहीं करना है हमने यहाँ पे, क्योंकि हमारी चिकन पे ऑब्वियसली थोड़ी सी डार्क ब्राउन हो जाएगी ना, वैसे नहीं करनी है। अच्छा जी, थोड़ा सा जब हम ऐसे ही पक जाए हमारा प्याज, और उसमें हमने अदरक जो है ना उसको चॉप करके डालना है और उसको भी दोबारा से सॉटे कर लेना है। ये जो अदरक मैंने चॉप करके डाला है ना, इसका ये अलग ही फ्लेवर आता है, जो कि अदरक लहसुन के पेस्ट में पेस्ट का एक अलग वो होता है और चॉप वाला एक अलग होता है। तो मैंने इसमें इसलिए मेंशन अलग से किया है कि मैंने इसमें अदरक भी चॉप करके डाला है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चिकन में। अच्छा जी, फिर हमने शामिल कर दी है यहाँ पे चिकन, उसको थोड़ी उसको पका लिया है, जब वो उसका कलर वाइट हो जाएगा तो हम उसमें शामिल कर देंगे अपने मसाले, जिनमें है ब्लैक पेपर और रेड चिली, लाल मिर्च डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, और ये अदरक और लहसुन का जो है मेरे पास पाउडर भी यूज़ करती हूँ, तो उसका अपना फ्लेवर होता है, पेस्ट का अपना फ्लेवर होता है, चॉप वाले का अपना फ्लेवर होता है, और नमक हर जाएगा हम लोग इसमें शामिल करके इसको थोड़ा सा पका लेना है चिकन को, ताकि उसमें हमारा फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से टेस्ट जो है वो उसका अच्छा सा हो जाए। और फिर मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट जो होता है वो है सोया सॉस, वो भी हमने 2 चम्मच के करीब समझे इसमें शामिल कर देनी है। तो जनाब, हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स दे लेना है अपनी चिकन को, और फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद उसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि बोनलेस चिकन है तो वो तो जल्दी से गली जाती है, ज़्यादा इतना टाइम नहीं लेती, लेकिन मेक श्योर कि अच्छे से ये गल जाए। अच्छा जी, फिर हमने इसको थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें शामिल कर दिया है मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट का एक अपना ही फ्लेवर होता है, बहुत ही मज़े का लगता है, और जब भी मैं चिकन बनाती हूँ स्पेशली बोनलेस, तो मैं मस्टर्ड पेस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। फिर जनाब, हमने इसमें शामिल कर दी है बच्चों की फेवरेट, हम सबकी फेवरेट टोमेटो केचप। तो ये टोमेटो केचप और ये सारे मसालों का इतना अच्छा कॉम्बो डेवलप होगा, और ये इतनी अच्छी हमारी फिलिंग रेडी हो रही है कि जनाब मज़ा ही आ जाना है ना। तो ये ज़रूर रेसिपी आप लोगों ने ट्राई करनी है, और मुझे उसका फीडबैक ज़रूर देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। फिर जनाब, हम लोगों ने इसको रख देना है चिकन को पकने के लिए थोड़ी देर, और ताकि वो बहुत अच्छे से जो है वो गल जाए, और जितना भी हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं अच्छे से जो है वो चिकन में चले जाए। अच्छा जनाब, चिकन को पकने के बाद उसको हमने थोड़ी देर ठंडा कर लेना है, और ठंडा कर लेने के बाद हम अपने चॉपर में उसको चॉप कर लेंगे। चॉप हम इसलिए कर रहे हैं कि हम बना रहे हैं चिकन बन, और उसकी फिलिंग जो है उसमें चिकन जो है वो छोटी छोटी हो तो बहुत मज़े की लगेगी। तो चॉप भी हमने जो है वो कोर्सली चॉप करना है, बिल्कुल ऐसे चॉप नहीं कर देना है कि उसका कीमा ही बन जाए। तो वैसे ही आप पे डिपेंड भी करता है, आपकी चॉइस है, आपको कीमे की टाइप वाली फिलिंग पसंद है या थोड़ी थोड़ी उभरी श्रेडेड वाली चिकन पसंद है। तो पर्सनली मेरी वो फेवरेट है, तो मैंने उसको इतना चॉप किया है कि वो श्रेड वाला लुक आएगा उसका। तो यहाँ पे हमने चॉप अपनी चिकन को कर लिया है, और वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। फिर जनाब, हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने अपनी चिकन को एक कंटेनर में लिया है, डिश आउट कर लिया है, उसके बाद हम इसमें जो है वो शामिल करने लगे हैं। इसमें हम लोग शामिल करेंगे चीज़, और चीज़ का वही है कि आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आप इसमें चीज़ शामिल करें या नहीं करें, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत एक अच्छा मेल्टेड सा जो फिलिंग में टच आएगा ना,
वो इसी की वजह से आएगा। यहाँ पे मैंने ले ली है श्रेडेड मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़। चेडर चीज़ जो है वो मेरे पास जो अवेलेबल थी स्लाइसेस में थी, तो वो मैंने उसको एज इट इज़ शामिल कर दिया है, उसको थोड़ा सा तोड़ के। और श्रेडेड मोज़रेला चीज़ जो है वो मेरे पास श्रेडेड थी, तो वो मैंने वैसे ही शामिल। बस जी, फिर हमने ये अपना मिक्सचर जो है ये अपनी फिलिंग तैयार कर ली है, उसको हमें अच्छा सा मिक्स दे देना है और हम अपने अगले स्टेप की तरफ जाएंगे, जो कि है डो। अच्छा, इसकी जो डो बनती है वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए और मॉइस्ट सी होनी चाहिए, क्योंकि बंस होते हैं वो आपको पता है कि वो जब राइस करेंगे तो वो सॉफ्ट भी रहने चाहिए और राइस भी होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने ले लेना है मैदा। मैदा आपकी मर्ज़ी है आपको कितने बंस बनाने हैं। मैंने ये मैदा लिया है 2 कप के करीब, जिसमें मेरे आराम से जो है वो 10-12 बंस जो हैं वो अच्छे से रेडी हो गए थे। अच्छा जी, फिर इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी थोड़ी सी, 2 चम्मच मैंने शामिल की है। उसके बाद जनाब हम इसमें शामिल करने लगे हैं अपनी हसबे ज़ायका नमक हम इसमें शामिल करने लगे हैं। ये जो पिंक मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा जी, तो नमक हमने इसमें शामिल किया है 2 चम्मच, क्योंकि एक अच्छा सा हमारे पास जो है वो फ्लेवर आ जाता है। और हम इसमें शामिल कर देंगे दूध। दूध हमने समझे 1/2 कप के करीब जो है वो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत अच्छा सा हमारा डो जो है वो फॉर्म हो जाएगा। और एज़ यूजुअल हम लोग ईस्ट इसमें डालेंगे 2 चम्मच, क्योंकि अच्छा हमें राइस चाहिए। तो जनाब, ईस्ट की क्वांटिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ही बैलेंस में रख के हमें इसको डालना चाहिए, यूज़ करते हैं हम लोग। और फिर हम इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। मेरा तो ये बेस्ट फ्रेंड है, तो डो जो है वो जल्दी से मेरी हो जाती है सेकेंड्स में। तो अगर आप हाथ से गूंदना चाहते हैं तो खैर उसकी अपनी एक क्लास होती है, क्योंकि उसमें आपकी मर्ज़ी होती है कैसे आप उसको मुक्कियाँ मार मार के जो है वो बड़ा अच्छा भी तरीका हो जाता है कि वो बहुत अच्छी डो गूंदती है वो भी। तो वैसे भी गूंद रहे हैं तो आप उसको दूध से पहले आप उसको सॉफ्ट करेंगे, अच्छा जो ड्राई वाला एक होता है ना वो पहले दूध से आप कीजिएगा, और उसके बाद फिर लूक वार्म वाटर डाल के नीम गर्म पानी से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डो को जो है वो हम गूंद लेंगे। तो जनाब, हमने डो की आपको शक्ल दिखा दी है कि किस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और यहाँ पर हमें अच्छा, मैंने डो को छोड़ भी दिया था राइस होने के लिए, 2 घंटे छोड़ें 1 घंटा छोड़ें, ईस्ट पे डिपेंड करता है कैसे जितना वर्क करती है। फिर यहाँ पे हमने एक डो को अपने ड्राई मैदे की मदद से एक रोल बना के उसको कट्स दे देने हैं। अच्छा, थोड़े बड़े कट्स दीजिएगा, क्योंकि बन बन रहे हैं और उसकी फिलिंग भी करनी है, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो बड़ा एक पीस बनाना होगा। तो जनाब, यहाँ पे हम लोग ने डिवाइड कर लिया है अपनी डो को, और अब हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, जो कि है उसको पहले हम सर्कल कर लेंगे, फिर उसको थोड़ा सा जो है वो अपनी हैंड की मदद से, फिंगर्स की मदद से जो है वो अपने एक पेड़ा बना लेंगे, जैसे कि हम लोग रोटी के लिए बनाते ही हैं। और फिर हम उसमें शामिल कर देंगे अपनी फिलिंग, और उसको इस तरह से बंद करना है कि वो चारों तरफ से जो है वो अच्छी तरह पैक हो जाए और इस तरह से वो कुछ दिखे। ये हमने सर्कल कर लिया उसको, और ये हमारा प्यारा बन जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर हमने उसको बेकिंग ट्रे में डालना है, उसके ऊपर एग वॉश कर देना है, ब्रश रब कर देना है, और कलौंजी उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में बेक करने के लिए रख देना है। और जनाब, हो जाएंगे माउथ वाटरिंग से चिकन बंस तैयार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।